وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جملہ حاضرین مسجد، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور رب ہے، اور جو بے شمار صفات کا حامل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، قادر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں: الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات رسول پر، اور جملہ بزرگان دین پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36
और सूरह मायदा की आयत नंबर 3 तिलावत की है। और इसी तरह हमने आपके सामने सही बुखारी की 1 हदीस और सही मुस्लिम की 2 हदीसें पेश की हैं। आज के खुतबे जुमा का हमारा जो मौजू है वो है माहे मुहर्रम फजाइल व बिदात। माहे मुहर्रम फजाइल व बिदात। मोहतरम हजरात, ये महीना जो हमारे ऊपर साया फगन है, ये है अरबी साल का पहला महीना है। ये इस महीने की पहली खसूसियत है कि ये अरबी साल का पहला महीना है, कमरी महीना है, कमरी सालों में पहला महीना, इसको हम इस्लामी साल कहते हैं। और इसकी दूसरी खसूसियत यह है इस महीने की कि ये हुरमत वाला महीना है, अजमत वाला महीना है। ये उन 4 महीनों में से एक महीना है जिनकी अल्लाह ताला ने हुरमत बयान की है कुरान मजीद में। प्यारे नबी ने हदीस में हुरमत बयान की है कि ये अदब और एहतराम वाला महीना है, अजमत वाला महीना है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर इशारा फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरे इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाती वल अर्ध। जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक की है तब से अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। मिनहा रबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुरमत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा और दुरुस्त दीन है। फला तज़लिमू फीहिन्न अन्फुसकुम, लिहाजा ऐ लोगो इन 4 हुरमत वाले महीनों में अपने नफ्सों पर जुल्म ज्यादती ना करो, ये अल्लाह ने फरमा दिया। इस आयत से ये मालूम हुआ कि आसमान और जमीन की तख्लीक से ही अल्लाह ने 12 महीने मुतय्यन किए हैं साल के, उनमें से 4 महीने हुरमत वाले मुतय्यन किए हैं, अदब वाले, एहतराम वाले। और अल्लाह ने फरमाया कि इन महीनों के अंदर जुल्म और ज्यादती अपने ऊपर ना करो, अपने नफ्सों पर जुल्म और ज्यादती से मतलब क्या है? जुल्म और ज्यादती का मतलब यह है कि इस हुरमत वाले महीने में जिनमें मुहर्रम हराम भी है, जिसको मुहर्रम हराम कहा जाता हुरमत वाला महीना, जुल्म और ज्यादती का मतलब यह है अपने नफ्स पर कि इस महीने में शिर्क बिदात ना करो, शिर्क बिदात के करीब ना जाओ। 12 महीनों में आपको दूर रहना है, लेकिन ये हुरमत वाले महीने में खुसूसी तौर पर आपको एहतमाम करना है, शिर्क बिदात के करीब ना जाए। और इन 4 हुरमत वाले महीनों में आप अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अगर नाफरमानी करोगे तो अपने नफ्सों पर जुल्म होगा, क्योंकि अल्लाह ने अताअत का हुक्म दिया है, शरीयत को फॉलो करने का हुक्म दिया है, कुरान और सुन्नत को पर अमल करने का हुक्म दिया है। अगर अमल नहीं करोगे, नबी की मुखालफत करोगे, अल्लाह की मुखालफत करोगे, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है अपने नफ्स के ऊपर और शरीयत के ऊपर। और याद रखिएगा, मजहबी इस्लाम मुकम्मल हो चुका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अब उसमें न किसी चीज की कमी की जा सकती है, न किसी चीज का इजाफा किया जा सकता है। इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। जो कुछ शरीयत में कमी बेशी करनी थी अल्लाह तबारक ताला ने नबी के दौर ही में कमी ज्यादती करके इस्लाम मुकम्मल कर दिया है। अब नेकी समझ करके
किसी चीज का इजाफा करना ये अल्लाह और रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इजाफा करना ये बिदात है। बिदात कहते हैं दीन का जुज समझ करके सवाब की उम्मीद से दीन में इजाफा करना, सवाब समझ करके किसी काम को दीन का जुज समझ करके सवाब की उम्मीद से करना ये बिदात है। और बिदात की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। बिदात अच्छी नहीं होती। बिदात बिदात है। कुल्लो बिदात इन जलाला, हर बिदात गुमराही है। वह कुल्लो जलाला इन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली। सही बुखारी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अम्रिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जिसने दीन इस्लाम के अंदर, हमारे इस दीन इस्लाम के अंदर कोई नई चीज ईजाद की जिसका सबूत हमारे कौल फेल से नहीं है, अल्लाह व रसूल का फरमान हुक्म मौजूद नहीं है, फहुव रद्द, तो वो ईजाद किया हुआ काम काबिले रद्द है। उसकी कोई हैसियत नहीं इंसान उसको अच्छा कुछ भी समझे। और सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नंबर 18, मन अमला अमला लैस अलैह अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा काम किया, मन अमला अमला लैस अलैह अमरुना, जिस पर हमारा हुक्म और आर्डर मौजूद नहीं है, शरीयत इस्लामिया किताब सुन्नत से उसका सबूत नहीं है, और उसने वो काम किया अच्छा समझ करके, मन अमला अमलन लैस अलैह अमरुना फहुव रद्द, तो वो काम काबिले रद्द है, रद्द की टोकरी में जाएगा, अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिले कबूल नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात आगे बढ़ाते हैं। चार हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना यह मुहर्रमुल हराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साल 12 महीने का होता है, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 महीने बेदर पे हैं, माह ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रमुल हराम। ये महीने 3 बेदर पे हैं जो हुर्मत वाले हैं, और एक महीना माह रजब है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है मेरे भाइयों, हदीस नंबर है 3197, और सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 1163। कुरान की आयत सूरह तौबा आयत नंबर 36 और सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस से ये मसला बिल्कुल वाज़ह हो गया कि ये महीना मुहर्रमुल हराम हुरमत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो मक्का में आप आशूरा का रोजा रखते थे। यौम आशूरा 10 मुहर्रम हराम को कहा जाता है। जो चीज मसनून है इस महीने में वो सिर्फ 2 रोजा रखना है, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, 2 दिन का रोजा रखना है बस। और कोई अमल खुसूसी तौर पर हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता आप नफली नमाजें, नफली रोजे, कुरान की तलावत, जिक्र अस्कार, सबका खैरात, आप जो कुछ करना चाहें जैसे 11 महीनों में करते थे वैसे इन दिनों में, इन महीनों में कीजिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अहले अरब के यहां भी आशूरा की बड़ी अहमियत थी। जमाने जाहिलियत में अरब के लोग, कुरैश के लोग आशूरा का रोजा रखा करते थे, और मक्का में प्यारे नबी भी आशूरा का रोजा रखा करते थे 10 मुहर्रम का। और आप जब हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में भी आपने आशूरा का रोजा रखा, और सहाबे किराम को भी हुक्म दिया। यह हदीस साबित है। चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस नंबर है 1136, अफजलुस सियाम बादा रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। माहे रमजान के बाद
सबसे अफजल रोजा मुहर्रमुल हराम का रोजा है, अफजल सियाम बाद रमजान, रमजान के महीने के बाद सबसे अफजल रोजा शहरुल्लाही मुहर्रम, अल्लाह तबारक ताला का महीना मुहर्रमुल हराम का रोजा है। रमजान का रोजा तो फर्ज है मेरे भाई, इसमें कोई बात नहीं, ये तो हर आदमी जानता है। रमजान के रोजे के बाद सबसे अफजल रोजा मुहर्रमुल हराम का रोजा करार दिया गया है, और इस हदीस में मुहर्रमुल हराम को अल्लाह का महीना करार दिया गया है। बात सवाल पैदा होता है कि सारे महीने तो अल्लाह के हैं, फिर खुसूसी तौर पर मुहर्रम को अल्लाह का महीना क्यों करार दिया गया? उसको आप ऐसे समझिए मिसाल से, तमाम फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, फरिश्तों में बाद फरिश्तों को अहमियत हासिल है कि नहीं? जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुसूसी अहमियत हासिल है, रूहुल अमीन कहा गया है, फरिश्तों में सबसे अफजल हैं, और इंसानों में जिनको नबी रसूल बनाया गया है वो इंसानों में सबसे अफजल हैं, और तमाम नबियों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं। महीनों में रमजान का महीना ये भी कुरान के नुज़ूल का महीना करार दिया गया, और दिनों में जुमा के दिन को अफजल करार दिया गया, रात में तमाम रातों में सबसे अफजल रात शबे कदर को ठहराया गया है। ऐसे मस्जिदें तो सब अल्लाह की हैं, मस्जिदें सब अल्लाह की हैं, अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता बैतुल्लाह, बैतुल्लाह जब कहा जाता तो मस्जिद हराम मक्का खाने काबा मुराद होता मक्का के अंदर, हालांकि सारी मस्जिदें अल्लाह की हैं। ऐसे यहाँ सारी उठनी अल्लाह की है, लेकिन हजरत सालेह सलाम की उठनी जो मौजदा के तौर पर उतरी थी उसको नाकतुल्लाह कहा गया, अल्लाह की उठनी। ऐसे सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन मुहर्रम को अल्लाह ने कहा मुहर्रमुल हराम, शहरुल्लाही मुहर्रम अल्लाह का महीना है। क्यों निस्बत की गई अल्लाह की जानिब? ये इस महीने की अजमत को अहमियत को बतलाने के लिए कि इस महीने की और महीनों के मुकाबले में रमजान के बाद और महीनों के मुकाबले में सबसे अफजल है। इस महीने में मेरे भाइयों सिर्फ माह रमजान का रोजा रखना है बस, और वो भी 9-10 को। अभी मैं हवाले के साथ रोजे के ताल्लुक से बात करूंगा, लेकिन आज इस महीने को बिदात के तनाजुर में समझिए। इस महीने को जो महीना हुरमत वाला था, ये मुहर्रमुल हराम का महीना जो अजमत वाला था, अदब एहतराम का महीना था, इस महीने को हमारे शिया भाइयों ने, हमारे सुन्नी भाइयों ने, हमारे नाम निहाद मुसलमानों ने इस महीने को बिदात और खुराफात का महीना ठहरा दिया। इस महीने में क्या क्या हो रहा है वो सब आप जानते हैं। इस महीने को हजरत हुसैन की शहादत से जोड़ दिया गया नौज बिल्ला, और ये कहा गया कि ये महीना अजमत वाला इसलिए है कि इसमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, जबकि हजरत हुसैन की शहादत सन 61 हिजरी में हुई है। उससे पहले मैंने सूरह तौबा की आयत तिलावत की है, आयत नंबर 36, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि 4 महीने हुरमत वाले हैं, आसमान और जमीन की तखलीक से पहले ही हुरमत वाले बना दिए गए हैं। लिहाजा इस मुहर्रमुल हराम का ताल्लुक और इसकी अजमत और अदब एहतराम का ताल्लुक हजरत हुसैन की शहादत से नहीं है। तो पहली बिदात यह है कि लोग इस महीने को हजरत हुसैन की शहादत और सानिहा से जोड़ते हैं, ये गलत है, एक बिदात यह है। दूसरी बिदात जिस महीने में लोग करते हैं वो ताजिया बनाते हैं, ताजिया बनाते हैं, ताजियत के माने गमखारी के होते हैं, और इस्लाम में ताजियत के ताल्लुक से हुक्म है, अगर आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए
है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, तो बहुत बड़ा गम लाजिक है। 3 दिन तक आप गम मनाना जायज है आपके लिए, शोक मना सकते हैं, आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, रिश्तेदार पास पड़ोस खाना पहुंचाएं और आपके गम में बराबर के शरीक हों, सिर्फ 3 दिन तक इजाजत है, किसी खास रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तब। अलबत्ता अगर किसी खातून के शौहर का इंतकाल हो जाए और बीवी बेवा हो जाए तो ऐसी सूरत में 4 महीने 10 दिन शरीयत ने शोक मनाने की इजाजत दी है। घर में रहेगी, बनाव सिंगार जेबो जीनत इख्तियार नहीं करेगी, 4 महीना 10 दिन तक शोक मना सकती है कौन? ऐसी औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है और वो मुतवफ़ा ज़ौजहा यानी बेवा हो चुकी है। ये 2 हुक्म शरीयत का है जिसको ताजियत हम कहते हैं, उसी ताजिये से ताजिया बना है गमखारी करना। लकड़ियों का कैंचियों का ढांचा बना करके और हजरत हुसैन का रोजा बनाना और उसको तवाफ का मावा मलजा बना लेना और उसको सजदा करना, ये बिदात है। बिदात आज मुसलमान इस महीने में जहां इस महीने को गम का महीना तसव्वुर करता है, इस महीने में शादी नहीं की जाती है, तारीखें मुतय्यन नहीं की जा रही, क्यों? इसलिए कि ये गम का महीना है, मातम का महीना है, शादियां लोग नहीं करते हैं और मुहर्रम अल हराम को शियों की तरह से इसको मातम और गम का महीना करार देते हैं, ये भी एक बिदात है। लोग मातम का लिबास काले और सियाह लिबास पहनने, ये भी बिदात। सियाह झंडे बुलंद कर रहे हैं, ये भी बिदात। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज का शरबत बनाते हैं, सबीले लगा रहे हैं, पिला रहे हैं, ये भी बिदात। और अपने औलाद को, अपने मासूम बच्चों को हरे रंग के लिबास पहना करके हजरत हुसैन का फकीर बनाते हैं, ये भी बिदात। नौहा खानी करना, ये भी बिदात। मरसिया खानी करना, ये भी बिदात। गिरेबान चाक करना, सीना कोबी करना, चेहरे को नोचना और जंजीरों से चाकुओं से अपने आप को जख्मी करना, ये भी बिदात है। और नंगे पैर रहना और औरतों का जेवरात उतार देना और कब्रिस्तान और कब्रों को मिट्टियों से आरास्ता करना, ये भी बिदात है। और शिरकिया कुफरिया मजलिसों को मुनकिद करना, ये भी बिदात है। और हद और सहाबे किराम पे लानत भेजना, खास तौर पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान पे लानत भेजना और दीगर सहाबा पे लानत भेजना, तबर्रा करना, ये भी बिदात है। और इसके अलावा बहुत सी बिदतें हो रही हैं, बहुत सी बिदतें हो रही हैं। ताजिया के साथ ढोलक बजाना, कुंकुमे लगाना, मौसीकी सुनना, गाने सुनना, तबले बजाना, औरतों का थिरक थिरक करके नाचना चलना, मजलिसों में जाना, मेला लगाना और इस तरह की शिरकिया और बिदाती मजलिसें मुनक़िद करना, नौजवानों का और औरतों का मखलूत होना, खल्त मल्त होना, ऐसी मजलिसों में जहां मर्द नौजवान हों और औरतें हों उनका बेपर्दा जाना, ये सब मेरे भाइयों मुहर्रम हराम की बिदतें हैं। आइए, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह मुसलमानों को सही सोच दे, सही समझ दे, सही रहनुमाई दे और उलमा से पूछने की तौफीक दे, ये सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है। वो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो नवासे रसूल थे, जो भूख और प्यास की हालत में शहीद हुए, आज उनको मानने वाले उनके मोहब्बत में आज डिशें चला रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। वो हुसैन नवासे रसूल
जो कई कई रात तक खाने नहीं खाए थे, पानी तक नहीं मिला था, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में सबीलें लगाई जा रही हैं, उनके न्याज का शरबत बनाया जा रहा है। अफसोस है ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए हो, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नो, ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए हो। वो हुसैन और उनके घर वाले जिन्होंने रात भर जिक्र अस्कार, तौबा इस्तिग़फ़ार, कुरान की तलावत में गुजारी थी, आज उनका मानने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाला रात भर ढोलक बजा रहा है, तबले बजा रहा है, अलंग बलंग कर रहा है, झंडा बलंग कर रहा है, ताजिया बना रहा है, ताजिया को गली गली नचा रहा है, घुमा रहा है, और ताजिया के सामने तवाफ कर रहा है, और मिन्नतें मांग रहा है, नजरो न्याज कर रहा है, चढ़ावे चला रहा है। ये अपने आप को नवाज़े रसूल से मोहब्बत का ये सबूत दे रहा है। इसे कौन कर रहा है? ईसाई नहीं कर रहा है, कादियानी नहीं कर रहा है, यहूदी नहीं कर रहा है। ये वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि मुझे नबी से मोहब्बत है, ये वो लोग कहते हैं जो कहते हैं कि मुझे नवासे रसूल हजरत हुसैन से गहरी मोहब्बत है। मोहब्बत का दम भरते हैं और काम ऐसा, कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। मेरे भाई और दोस्तों, आइए रमजान ये माह मुहर्रम में रोजा रखना मसनून है, इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने रवायतें पेश करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो यहूदियों को देखा कि वो आशूरा का रोजा रखते हैं। आपने पूछा कि तुम लोग आशूरा का रोजा क्यों रखते हो, वजह क्या है? कहा इसलिए है कि ये दिन ऐसा अजमत वाला दिन है कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा को और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दी थी। शुक्राने के तौर पर मूसा ने रोजा रखा था, इसलिए हम लोग भी मूसा के मानने वाले रोजा रखते हैं। कायने में फरमाया था तुमसे ज्यादा हम मूसा के हकदार हैं, चुनांचे आपने रोजा रखा आशूरा का और सहाबे किराम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। ये हदीस मौजूद है सही बुखारी के अंदर, हदीस नंबर है 2001 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 1125। उसके बाद जब रमजान का रोजा फर्ज हो गया तो आशूरा का रोजा के ताल्लुक से आपने फरमाया कि अब चूंकि रमजान का रोजा फर्ज हो चुका है लिहाजा आशूरा का रोजा अब नफली रोजा हो गया, जिसका दिल चाहे रखे जिसका दिल चाहे ना रखे, अख्तियार दे दिया आपने। अब आशूरा का रोजा, दसवीं जिलहिज्जा को आशूरा कहा जाता है। साहबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, साहबे किराम ने रखा, साहबे किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह रसूल ये दिन ऐसा है यहूदी इसकी बड़ी अजमत करते हैं और यहूदियों की मुखालफत की बात आप बार बार करते हैं, मुखालफत होनी चाहिए। तो आपने फरमाया था कि मेरे सहाबा अगर आइंदा साल आया और मैं जिंदा रहा तो नौवीं मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा, ताकि 9 और 10 दो दिन हो जाए और यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, तो उनकी मुखालफत में मैं एक दिन पहले भी रखूंगा ताकि 2 दिन रोजा हो जाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि आइंदा साल आने से पहले ही आप दुनिया से चले गए, आपका इंतकाल हो गया। इस हदीस की रोशनी में वर्मा ने यह मसला निकाला है कि मुसलमानों के लिए यहूदियों की मुखालफत करते हुए जो मसनून रोजा रखना है वो ये है 9 और 10 दो दिन रोजा रखना। दो दिन रोजा रखने का फायदा क्या होगा? एक तो यहूदियों की मुखालफत है, दूसरा यह है कि नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तीसरा यह है कि नबी का हुक्म है, और सबसे बड़ा फायदा यह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था युकफ्फिरु सनतल माज़िया, 2 दिन 9 और 10 को 2 दिन रोजा रखने से 1 साल के सगीरा गुनाह, गुज़िश्ता साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह 2 रोजा रखो, अपने बेटे को भी हुक्म दो रोजा रखाओ। रुबा बिनते मुअव्विस कहती हैं कि आशूरा का रोजा हम खुद रखते थे और अपने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रखवाते थे, जब बच्चे रोने लगते थे तो हम ऊन का खिलौना गुड़िया
बनाकर उनके हवाले कर देते थे और उसी में दिल बहलाते रहते थे, यहां तक कि मगरिब की अजान हो जाती थी। ये सहाबिया अपनी औलाद को और आशूरा का रोजा रखाती थी। हम नबी के उम्मती हैं, नबी के मानने वाले हैं, नबी का फरमान है कि एक साल के सगीरा गुनाह पिछले साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। और अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सियामो आशूरा आशूरा के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह एक साल के पिछले साल के सगीरा गुनाह माफ कर देगा। ये तमाम रवायतें हैं मेरे भाइयों, और ये रवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर है 1163 और 1162। ये माहे मुहर्रम में 9 और 10 दो दिन रोजा रखने की फजीलत के बारे में हदीसें हैं। लिहाजा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बिदात से बचिए, खुराफात से बचिए, शिर्क से बचिए, और इस महीने में आप 9 और 10 दो दिन मुहर्रम का रोजा रखिए। एक साल पिछले साल के एक साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। खुद रखिए, अपने अहलोयाल को रखाइए, रिश्तेदारों को रखाइए। अल्लाह ताला हमको और आपको इसकी तौफीक दे। लानत किसी पर भेजना जायज नहीं है। एक मुसलमान होने की वजह से किसी पर लानत भेजना जायज नहीं है, और खास तौर पर सहाबे किराम के बारे में कुरान में आया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी है। सहाबे किराम के लिए दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट मिल चुकी है। हमारे गाली देने से किसी सहाबी को जहन्नम नहीं मिल सकती है नऊज़ बिल्लाह। सहाबे किराम जन्नती है, आदिल है, अल्लाह ने गवाही दी है। हम कौन होते हैं गवाही देने वाले, तनकीद करने वाले? लिहाजा सहाबे किराम को गाली देना ऐसे है गोया कि अपने अमान को बर्बाद करना है। प्यारे नबी की वाज़ह हदीस है, ला तसुब्बु असहाबी, सहाबे किराम को गाली ना दो। सहाबे किराम ने अपनी जिंदगी में अगर एक मुद खर्च किया है और तुम या आधा मुद खर्च किया है और तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो, अगर है मुसलमानों, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और सहाबे किराम ने एक मुद खर्च किया है या निस्फ आधा मुद खर्च किया है, तो एक मुद या निस्फ मुद के बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते उस वक्त। और एक हदीस में तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, ये ला तसुब्बु असहाबी, ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है, हदीस नंबर है 3673। और एक हदीस में आपने फरमाया, मन सब्बा सहाबी, जिसने मेरे सहाबी को गाली दी, फलानतुल्लाह अलैहि वल मलाइका, उस पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, वन्नास अजमईन, और तमाम लोगों की लानत हो। इस हदीस को अल्लामा अल्बानी ने सिलसिलतु सहीह में जिक्र किया है, हदीस नंबर है 2340। मालूम ये हुआ कि सहाबे किराम को गाली नहीं देना चाहिए। शिया हजरत हजरत अबूबकर को गाली देते हैं, तबर्रा उसको कहते हैं, उस्मान को गाली देते हैं, और हजरत उमर को गाली देते हैं, हजरत आयशा को गाली देते हैं, और खास तौर पर आज का मुसलमान सुन्नी मुसलमान अपने आप को हजरत माविया को गाली देने पर तुला हुआ है। माविया सहाबी रसूल हैं, सहाबी को गाली देना अपनी आखिरत बर्बाद करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको गालियों से बचाए। और ये लानत जो है ये ईजाद किया है किसने? ये लानत सन 17 हिजरी में ये हिजरी साल का आगाज हुआ है। अबू मूसा अशरी यमन के गवर्नर थे, उनके हुक्म से हजरत उमर ने ये सन हिजरी जारी किया था। तो सन हिजरी का ताल्लुक जो है हजरत उमर के दौर से हुआ है। लेकिन ये जो लानत सहाबे किराम पर जो भेजी जा रही है लानत मेरे भाइयों, ये लानत का आगाज 351 हिजरी में, कितना 351 हिजरी में, एक बादशाह था मुइज़ुद्दौला अहमद बिन बुआ दैलमी, 351 हिजरी में लानत लिखा करके बाद सहाबे किराम के मुताबिक जामा मस्जिद बगदाद पर दरवाजे पर लटका दिया, फला पर मुआविया पर, फला पर, फला पे लानत हुई। ये लानत का आगाज किया मुइज़ुद्दौला अहमद बिन बुआ दैलमी ने 351 हिजरी में, और उसके बाद मातम और ताजिया दारी का कोई इजाद किया 352 में।
और बगदाद के अंदर 352 हिजरी में अहमद बिन बोए ने बैरनी ने ऐलान करा दिया कि लोग मातम का लिबास पहने, दुकानें बंद कर दें और गम मनाए और औरतें चूड़ियां तोड़ दें और गिरेबान चाक करें, सीना खोदी करें और मर्द और औरत मातम का लिबास पहन करके बगदाद की सड़कों पर आ जाएं। ये मुइज़्ज़ुद्दौला अहमद बिन बोए ने 352 हिजरी में ईजाद किया। उसके बाद हिंदुस्तान में ये लोग ताजिया बनाते हैं, ये हिंदुस्तान में शियों की ईजाद है। एक बहुत बड़ा शिया था तैमूर लंग, जो अकीदतन शिया था। तैमूर लंग ने 801 हिजरी में हिंदुस्तान में ताजिया मंगवाया और ताजिया ईजाद करवाया और फिर 962 हिजरी में पहला ताजिया हिंदुस्तान में आया और आसिफुद्दौला ने इमाम बाड़े बनवाए। इस तरह से शियों ने पूरा लखनऊ बर्बाद करके रख दिया और पूरा खास तौर पर यूपी आपका ये तहस नहस कर दिया और सब शियों की करामात है, ईरान से गहरा ताल्लुक है। मेरे भाइयों, आज के खुतबे का हमारा खुलासा यह है कि यह महीना बहुत ही अजमत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है। इसमें शिल्प विदा से अपने आप को बचाइए और इस महीने में जो मसनून अमल है वो 9 और 10 दो दिन रोजा रखना है, ये अफजल है। अगर कोई 9 को रोजा ना रख सके किसी वजह से तो ऐसी सूरत में मजबूरी की हालत में 10 और 11 को भी रख सकता है, इंशाल्लाह उसको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इसे मुहर्रमुल हराम जो हुरमत वाला महीना है इसकी अजमत और अहमियत और फजीलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस महीने में जो कुछ बिदात खुराफात शिरकिया कलमात किए जा रहे अदा हो रहे अल्लाह ताला उन तमाम शिरकिया आमाल से शिरकिया कलमात से शिरकिया मजालिस से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद पे कायम रखे, सुन्नत पे कायम रखे, तौहीद के झंडे को बुलंद करने की तौफीक दे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, अल्लाह मुसलमानों की हालत को अच्छा बना दे, अल्लाह मुसलमानों के रोजी रोटी को मजबूत कर दे, जरिए मुआश मजबूत कर दे और सबको रोजी रोटी से लगा दे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, रोजी में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, इल्म में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में कायम रहे, जिंदा रहे, ईमान और तौहीद पर रहे और जब हमारा खात्मा हो तो खालिस तौहीद पर। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुर रहीम।